Next question is What will be the direction of flow of water when a plant cell is placed in hypotonic solution? Option A is no flow of water in any direction. Option B is water will flow in both direction. Option C is water will flow out of the cell. And the D option is water will flow into the cell. Jab cell ko प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा तो वाटर को फ्लो होगा इन टू द सेल बिकॉज जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन होती है ज़्यादा और सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन होती है कम और जो सेल होगी उसमें हाइपरटोनिक मीडियम होगा और उसमें सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन होगी ज़्यादा वाटर की कंसंट्रेशन होगी कम तो वाटर फ्लो करेगा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी वाटर विल फ्लो इन टू द सेल ट विल है प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन आइसोटोनिक सोल्यूशन ऑप्शन इज सेल टर्जिड ऑप्शन बीज नेट मूवमेंट ऑफ वाटर विल बी जीरो ऑप्शन सी सेल बिकम फ्लैसिड एंड द डी ऑप्शन इज सेल बिकम प्लाज्मोलाइज जो आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है उसमें नेट फ्लो जो होता है वाटर का वो जीरो हो जाता है जितना वाटर सेल के अंदर जाता उतना ही बाहर आता है सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन इज इफ अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देन व्हाट विल हैपन जब सेल को प्ला जब प्लांट सेल को हाइपरटोनिक hyper, सॉल्यूशन में प्लेस किया जाता है तब की कंडीशन बतानी है इट्स टर्गर प्रेशर बिल इंक्रीज ऑप्शन बी देयर बिल नॉट बी चेंज इन सेल साइज ऑप्शन सी इज एक्जोसमोसिस टेक प्लेस ऑप्शन डी इज वाटर विल मूव इन साइड द सेल ये कंडीशन फॉलो होती अगर सोल्यूशन हाइपोटोनिक होता तो इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन जब सेल को प्लेस किया जाता है तो एक जो ऑस्मोसिस होता है सो योर आंसर इस ऑप्शन नंबर सी